अस्सलाम वालेकुम मैम। पूछे में स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है जरा? जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। मैम बहुत कम में आवाज। जी बेटा यू कैन सी द स्क्रीन शेयर? नो मैम। नो मैम। नो मैम। हाँ जी अब स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है? यस मैम। जी मैम अब आ रहा है। पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं SLE एंड सम अदर डिजीजेस। SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस। SLE इज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस। सिस्टेमिक का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए आपको समझ जाना चाहिए कि सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, वीदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिस्टेमिक का जहाँ पे भी वर्ड आ जाए वहाँ पे आपने समझना है कि सिस्टम्स आर इन्वॉल्व। मैम स्लाइड्स नहीं शेयर हो रही है। ओके बेटा एक मिनट। हाँ जी अब नहीं शो हो रही? नो मैम। अभी भी नहीं शो हो रही मैम स्लाइड शो? नो मैम। नो मैम शेयर हो रहा है, कौन की सारी स्क्रीन आ रही है लेकिन स्लाइड नहीं शो हो रही। इंटेलिमेंट्री सिस्टम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? नो मैम। मैम ज़ूम शेयर हो? अब कुछ शो हो रहा है? यस मैम लेकिन स्लाइड शो नहीं हो रही। अब शो हो रहा है? कुछ शो हो रहा है। अब इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम लिखा हुआ नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। बस नेक्स्ट टाइम मैं ये क्लास ही नहीं लूंगी इंशाल्लाह, आज आप गुजारा कर लीजिए। इस क्लास के इस सिस्टम में प्रॉब्लम है बहुत। अच्छा जी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, जिसको आप SLE भी कहते हैं। SLE is an autoimmune disorder. Autoimmune disorder क्या होता है? Auto mean self,
और इम्यूनिटी मीन इम्यूनिटी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आवाज ही नहीं आ रही आपकी सही, बहुत ही स्लो आवाज आ रही, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मैम ठीक आ रही है, इंटरनेट का इशू होगा मुझे लगता है इनका। हम भी ठीक आ रही। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बेटा क्या होता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये होता है कि इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, यानी हमारे अपने हार्ट की, हमारे अपने लिवर की या हमारे अपने ब्लड के अंदर जो एंटीजन पाई जाती हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज जब बन जाएंगी, हमारी अपनी बॉडी की एंटीजन हमारे अपने ऑर्गन्स के खिलाफ जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो फिर हम उसको कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यानी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। वैसे तो एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस होती हैं? जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फॉरेन इंसल्ट जो है ना वो हमारी बॉडी पे अटैक करता है, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म बाहर से, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ये तो है ना एक नॉर्मल प्रोसेस। बट ऑटो इम्यूनिटी क्या है? व्हेन एंटीजन्स इन आवर ऑर्गन्स और इन आवर बॉडी दे बिहेव एज एंटीजन एंड ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, हमारी अपनी ही बॉडी के ऑर्गन्स के खिलाफ उसमें जो एंटीजन्स पाई जाती हैं हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में, हमारे लिवर में या हमारे किडनी में जो एंटीजन पाई जाती हैं उनके खिलाफ जब एंटीबॉडीज हमारा जिस्म बनाना शुरू कर देगा तो उसको हम कहेंगे ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। और ऐसी डिजीज को हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज, ऐसी डिजीज जिसमें इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन। तो SLE और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं, तो ये सारी किस में आती हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आती हैं। इसमें मल्टीपल सिस्टम्स आर इन्वॉल्व, इसमें कोई भी बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और हमारा CNS इन्वॉल्व हो सकता है, हमारा ब्लड हीमाटोलॉजिकल सिस्टम उसमें एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया यानी WBC काउंट कम हो गया, RBC काउंट कम हो गया, प्लेटलेट काउंट कम हो गया, हमारा ब्लड इस तरीके से SLE में इन्वॉल्व हो सकता है। और इसके अलावा प्लूरा अगर इन्वॉल्व हो जाएगा, प्लूराइटस, फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस, यानी डिफरेंट सिस्टम्स में ये डिफरेंट लीजंस कॉज करेगा। अच्छा, अब कौन से पेशेंट में कौन कौन सा सिस्टम अफेक्ट होना है ये नहीं पता। ये दो पेशेंट ऐसे ली के दोनों में डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होगा, जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में हर सिस्टम इन्वॉल्व हो और जरूरी नहीं कि दो पेशेंट्स हैं उनमें एक जैसे सिस्टम इन्वॉल्व हो। तो इट डिपेंड्स, ठीक है, कि एक जो पेशेंट है ऐसे ली का उसमें कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होते। बट समझने की बात क्या है कि इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन, ऑटो एंटीबॉडीज काफ़ी ज़्यादा बनती हैं जिसमें के एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी डबल स्ट्रैंडेड एंटीबॉडी, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडी, ये थोड़ी नुमाया एंटीबॉडीज है। बट बात यह है कि मैनी मैनी ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, ठीक है। ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, 9:1 है फीमेल टू मेल रेशो जो है वो 9:1 है, यानी 9 खवातीन को है अगर तो उसके मुकाबले में एक मेल को होगा, मेल में इसकी अक्रेंस जो है वो इस तरह से फीमेल के मुकाबले में काफी कम है। और फीमेल में जब ये होता है तो कौन सी एज में होता है? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, 15 to 45 years। एज ब्रैकेट कौन सी में होता है? 15 to 45 years, जब ईस्ट्रोजन लेवल्स हाई होते हैं, ठीक है, उस दौरान ये रिप्रोडक्टिव एज में होता है, फीमेल्स में होता है। फीमेल टू मेल रेशो 9:1 है, खवातीन में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है, और खवातीन में जब होता है तो 15 years से लेके 45 years तक की फीमेल में होता है। इसमें बहुत सारी ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं जो हमारी बॉडी की अपनी एंटीजन के साथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं और ऑर्गन डैमेज करती हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारे सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, हार्ट, जॉइंट, स्किन, लंग, ब्लड वेसल, लिवर, किडनी, नर्वस सिस्टम्स, ये सारे के सारे सिस्टम्स की जो एंटीजन्स हैं उसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बन के, तो इन सारे के सारे सिस्टम्स को या इनमें से कुछ सिस्टम्स को, 2-3 सिस्टम्स को इन्वॉल्व करके SLE की प्रेजेंटेशन हमें मिल सकती है, ठीक है। सिस्टेमिक डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, सारे के सारे सिस्टम्स को, किसी भी सिस्टम को, सेट ऑफ ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है। फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है? वो तो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस ही है। मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो SLE की, वो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस ही है। कुछ थोड़ी सी
डिफरेंट और टाइप्स भी हैं, जिसमें एक है ये डिस्कॉइड ल्यूपस या जिसको क्यूटेनियस ल्यूपस भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि फेस पे या नेक पे या स्कैल्प पे, फेस पे या नेक पे या स्कैल्प पे एक डिस्कॉइड शेप पॉइंट शेप लियन बन जाता है और इंटरनल बॉडी सिस्टम जो है वो इस टाइप में इन्वॉल्व नहीं होते, बस स्किन रैश है और बस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्कॉइड ल्यूपस और क्यूटेनियस ल्यूपस, दैट इज नॉट SLE. सिस्टेमिक को इन्वॉल्व नहीं किया उसने, सिर्फ स्किन को इन्वॉल्व किया, स्किन के ऊपर फेस या नेक या स्कैल्प के ऊपर एक रैश है, डिस्कॉइड रैश है, कॉइन शेप रैश है और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो आमतौर पे इसमें इस टाइप में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, सिस्टेमिक फॉर्म में क्या होता है कि कोई भी इंटरनल बॉडी सिस्टम जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा एक और टाइप क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। आपको पता है ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये जो ड्रग्स हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स मैंने इसमें लिखी हैं, एंटी एरिदमिक्स या एंटी कन्वल्सेंट्स या एंटी हाइपरटेंसिव, जिसमें हाइड्रेलाजीन इज एन एंटी हाइपरटेंसिव, एमायोडेरॉन इज एन एंटी कन्वल्सेंट, एमायोडेरॉन इज एन एंटी एरिदमिक। तो ये जो और भी बहुत सारी लिथियम ड्रग्स हैं और कुछ एंटी साइकोटिक्स जिनका के एसोसिएशन या कॉजेशन इनके बारे में पता चला है कि जब पेशेंट ये मेडिसिन इस्तेमाल करता है तो दे कैन बी अ कॉज ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस। ये ड्रग्स जो हैं, लेकिन इन्हीं उन्हीं लोगों में ये करेगा जिसमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी होगी। ठीक है, तो कौन सी चीजें हैं इटियोलॉजी में या कॉजेशन में एसएलई के, जेनेटिक और एनवायरमेंटल। ठीक है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिन लोगों में होगी उनमें, साथ में जब एनवायरमेंटल फैक्टर आएगा तो फिर एसएलई कॉज होगी। इसके अलावा देयर इज वन मोर टाइप, न्यूनेटल ल्यूपस, यानी कि छोटे बच्चों के अंदर ये डिजीज, उसमें इस ये किसमें होगी, जिनकी मदर को एसएलई है, तो मदर से जो है ऑटो एंटीबॉडीज दे विल ट्रांसफर टू द फीटस, और उसमें ये इतनी सीरियस डिजीज नहीं होती, लेकिन ये है कि जो एसएलई वाली मदर है उसका जो बेबी है उसको मॉनिटर करना होता है। ठीक है, कि उसमें एसएलई के कोई साइन एंड सिम्टम तो नहीं आ रहे, तो अगर बच्चे में जो है ऑटो एंटीबॉडीज ट्रांसमिट की हैं मेटर्नल ब्लड से, उसको ऑटो एंटीबॉडीज गई हैं, तो बेबी का स्किन हार्ट और ब्लड अफेक्ट हो सकता है, बट इट इज सेल्फ लिमिटिंग। आमतौर पर इतनी सीरियस डिजीज नहीं होती। एनी हाउ एसएलई की जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं वो मदर से बच्चे को ट्रांसमिट हो सकती हैं एंड दे कैन प्रेजेंट लाइक एसएलई इन न्यूनेट, तो दैट विल बी कॉल्ड न्यूनेटल एसएलई। तो इसकी डिफरेंट कॉजेज हैं, ड्रग इंड्यूस्ड न्यूनेटल एसएलई, डिस्कॉइड और ल्यूपस और सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसएलई। एज इंसिडेंस की हम बात कर चुके हैं कि 15 टू 45 इयर्स की फीमेल्स में होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज जो है उसमें होता है। ठीक है, बहुत सारी ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें के चंद हैं एंटी डबल स्ट्रैंडेड एंटीबॉडी, एंटी फॉस्फोलिपिड, एंटी ल्यूपस, एंटी कार्डियोलिपिन एटसेट्रा एटसेट्रा, मेनी मेनी। एक्चुअल बात यह है कि मेनी मेनी ऑटो एंटीबॉडीज। अच्छा, अब इसमें कुछ हैं जो नॉन स्पेसिफिक हैं और कुछ हैं जो स्पेसिफिक हैं। इसका क्या मतलब है? स्पेसिफिक एंटीबॉडी का मतलब है कि अगर हमें वो एंटीबॉडी पेशेंट के ब्लड में मिलती है तो हम श्योर हो जाएं कि बहुत हाई चांस है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एसएलई, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एसएलई। और नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी मिलने का क्या मतलब है कि ऐसी एंटीबॉडी मिली है जो किसी और डिजीज में भी हो सकती है, लिहाजा ऑटोइम्यून डिजीज तो है लेकिन ये सिर्फ एसएलई ही है, ये हम यकीन से नहीं कह सकते। मीन टू से कि अगर किसी पेशेंट में हमें एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी मिले या एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी मिले तो हम कहेंगे कि ये एसएलई ही है, जबकि बाकी जो एंटीबॉडीज हैं वो दूसरी जो ऑटोइम्यून डिजीज हैं उनमें भी मिल सकती हैं। एनी हाउ देर आर मैनी मैनी ऑटो एंटीबॉडीज विच वी कैन सी इन द पेशेंट्स ब्लड इन केस ऑफ सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस। वजह क्या है, एसएलई क्यों होती है? तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर एज वेल एज हॉर्मोनल फैक्टर। हॉर्मोनल फैक्टर का क्या मतलब है? हमने ये देखा है कि समटाइम्स हमने ये बात की कि फीमेल में ज़्यादा एसएलई की परसेंटेज जो है वो फीमेल में ज़्यादा होती है, फीमेल्स आर अफेक्टेड मोर एज कम्पेयर टू मेल। तो हमने ये देखा है कि बाज़ दफ़ा एसएलई जो है फर्स्ट टाइम उसकी प्रेजेंटेशन प्रेगनेंसी में होती है, तो फिर इसकी वजह से हम सोचते हैं कि शायद प्रेगनेंसी में जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से, दैट इज द रीजन फॉर कॉजेशन ऑफ एसएलई, दैट इज द कॉज फॉर एसएलई, हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इसलिए जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हैं? एनी एडवर्स लाइफ इवेंट,
divorce, death of a family member, giving birth to a baby, puerperium, any disease, surgery, illness, ये सारी जो adverse life events हैं या stresses हैं life के, that are environmental factor. उसके अलावा sun rays, SLE का patient अगर strong sun rays में जाएगा without sun block, तो उसको flare आने का chance हो सकता है, flare आ सकता है. ये जो डिजीज है इसमें दो पीरियड्स होते हैं. एक तो डिजीज का फ्लेयर का पीरियड होता है व्हेन द डिजीज एक्टिविटी इज वेरी हाई, व्हेन द डिजीज एक्टिविटी इज वेरी हाई. आप यूरिन कंप्लीट देखते हैं उसमें प्रोटीन यूरिया आ रहा है, आप ब्लड देखते हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एनीमिया और ल्यूकोपेनिया आ रहा है, ठीक है. जॉइंट्स, जॉइंट पेन की आर्थराइटिस इसमें होता है, ठीक है. तो आप देखते हैं कि डिजीज एक्टिविटी इज हाई तो उसको हम कहेंगे कि ये फ्लेयर आया हुआ है. और when the disease activity is very low, either due to treatment या due to natural remedies, ठीक है, तो उसमें हम कहेंगे कि अब ये disease तो उधर ही है, disease एक दफा हो गई उसने अब जान नहीं छोड़ दी, ठीक है. लेकिन there will be periods, एक flare का period है when the disease activity is high और एक remission का period है when the disease activity is very low. तो SLE की patient को अगर pregnancy करनी होती है plan करके करती है, वो प्लान करती है कि मुझे प्रेगनेंसी करनी है, तो फ्लेयर के दौरान प्रेगनेंसी नहीं की जाती. जो रिमिशन का पीरियड होता है व्हेन द डिजीज एक्टिविटी इज वेरी लो उस वक्त वो प्रेगनेंसी करती है, ठीक है. अगर वो फ्लेयर में प्रेगनेंसी करेगी तो आप याद रखें कि एसएलई एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी एडवर्सली अफेक्ट्स द एसएलई. ये दोनों एक दूसरे को, एसएलई प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकती है और प्रेगनेंसी एसएलई को नुकसान पहुंचा सकती है. सो बेहतर ये है, एडवाइजेबल ये है कि पेशेंट की डिजीज एक्टिविटी जब फीमेल की बहुत लो हो उस वक्त को प्लान करके प्रेगनेंसी करें. तो इटियोलॉजी यानी कि इसकी वजूहात क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, हार्मोनल फैक्टर्स बताए हैं, ड्रग इंड्यूस्ड, पीछे हम ड्रग्स के बारे में बात कर चुके हैं जो कि एसएलई का कॉज हो सकती हैं. इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफ एसएलई में इनका रोल सामने आया है. और प्रेगनेंसी समटाइम्स फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, वास पेशेंट्स में पहली दफा प्रेगनेंसी में ही ये सामने आती है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी किस्म की कोल्ड, वायरल इलनेस, इन्फेक्शन, अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, एग्जॉस्शन, इंजरी, एडवर्स लाइफ इवेंट, इलनेस, डेथ इन अ फैमिली, अदर लाइफ कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी, फिजिकल हार्म, सर्जरी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो एसएलई की प्रेजेंटेशन का बायस उन पेशेंट्स में बन सकते हैं जिनमें जेनेटिक फैक्टर ऑलरेडी मौजूद है. स्किन के ऊपर इसकी क्या मैनिफेस्टेशंस आएंगी? स्किन के ऊपर इस तरह के सन बर्न जैसे डिस्क शेप रैश, अगर फिंगर के ऊपर एसएलई का रैश आया तो जिस तरह रिंग होती है उस तरह से गोल गोल रैश सारे. एसएलई डू नॉट इन्वॉल्व पाम्स एंड सोल्स, पाम्स एंड सोल्स को इसका रैश इन्वॉल्व नहीं करता. और अगर हैंड पे आप इसका रैश देखेंगे तो इस तरह का नजर आएगा, अदरवाइज इसका बटरफ्लाई रैश होता है जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि वो फेस पे होता है, आगे उसकी पिक्चर है, उसमें जो है वो हमारे मैक्सिलरी प्रोमिनेंस जो है उसको इन्वॉल्व करता है और हमारे नेजल ब्रिज को इन्वॉल्व करता है और नेजोलेबियल जो फोल्ड होता है उसको स्पेयर करता है, उसको इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक है. तो अगर इसकी स्किन पे हम देखेंगे तो इस तरह के रैश नज़र आ सकते हैं, बटरफ्लाई रैश नज़र आ सकता है. और इसके सिस्टेमिक फीचर्स क्या होंगे? फटीग, हेडेक, फीवर, मलेज, स्वोलन और पेनफुल जॉइंट्स. एसएलई का जो आर्थराइटिस होता है ना उसमें आप नी जॉइंट को उसने इन्वॉल्व किया है या एल्बो को इन्वॉल्व किया है या जिस भी जॉइंट को इन्वॉल्व किया है, ज़्यादातर नी जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, तो उसमें आप देखेंगे कि देखने में इतनी स्वेलिंग या रेडनेस नज़र नहीं आती लेकिन पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है. तो फिर उसमें एनसेड्स दिए जाते हैं और अगर इफेक्टिव ना हो तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस बिकॉज ऑफ एसएलई, ठीक है. तो सिस्टेमिक फीचर्स में ये चीज़ें हैं. लोकल फीचर्स में अगर हैंड पे रैश है तो वो रिंग शेप रैश इस तरह का नज़र आएगा. इसके अलावा बटरफ्लाई रैश होगा फेस पे जो हम आगे देखेंगे. इसके अलावा ओरल अल्सर्स बन सकते हैं, इसमें आर्थराइटिस होगा. यानी कि मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया कि मल्टीपल बॉडी सिस्टम्स विल बी इन्वॉल्व, कोई से भी बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं. अब कौन कौन से होंगे डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट, ये वेरी करता है. एक पेशेंट में जो है वो किडनी इन्वॉल्व है, दूसरे में नहीं इन्वॉल्व, ठीक है. 50% पेशेंट में किडनी इन्वॉल्व होते हैं और उन 50% में से फिर एक छोटी सी परसेंटेज है जो रीनल फेलियर तक चली जाती है, इवन इट कैन कॉज डेथ इन यंग पेशेंट्स, ठीक है. तो और इसमें क्या होगा, ओरल अल्सर्स, आर्थराइटिस, इसका मैंने आपको बताया कि देखने में इतना
क्लिनिकली इतने फीचर्स आपको नजर नहीं आते, इतनी स्वेलिंग, इतनी रेडनेस नजर नहीं आती, बट पेशेंट जो है उसका दर्द से बुरा हाल होता है, इट्स वेरी वेरी पेनफुल। इसका आर्थराइटिस जो है वो इस तरह का होता है। फोटो सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है कि जो जी बोलें मैम, मैं कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हो गई है जो एंटीबॉडीज के ऊपर डिपेंड करेंगे ना जी, क्या कह रहे हैं मैम? मैंने कहा एसएलई में कौन सा सिस्टम ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, वो तो एंटीबॉडीज के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, कौन सा एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी में हाई लेवल में। बेटा इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा सारी बनती हैं, और कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा ये डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल उसमें किडनी सीएनएस इन्वॉल्व हो जाएगा, दूसरे पेशेंट हैं उसमें जो है हीमाटोलॉजिकल सिस्टम और लंग्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, लंग में प्लूराइटस हो जाएगा, फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटस हो जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे। इट इज़ अ मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इट इज़ अ मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ब्लड में हमें ऑटो एंटीबॉडीज मिलेंगी और डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस डिजीज इन द पेशेंट्स। ठीक है, अच्छा ये तो सारे के सारे फीचर्स दिखे हुए हैं ना, अब पेशेंट में इसमें से कौन से हैं, इट डिपेंड्स। ये थोड़ी समझने की बात है कि जरूरी नहीं कि एक मरीज में ये सारे ही फीचर्स हों, एक पेशेंट में इनमें से कुछ फीचर्स होंगे और कुछ नहीं होंगे, ये भी हो सकता है कि ज्यादा हों किसी में, ये भी हो सकता है कम हों किसी में। ठीक है, तो इसलिए इसका डायग्नोसिस भी थोड़ा ट्रिकी है और इसकी प्रेजेंटेशन भी थोड़ी हर पेशेंट में वेरी करती है। जी बेटा क्वेश्चन जरा एंड पे मैं आपको टाइम देती हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लें क्योंकि आज टाइम हमारा बहुत वेस्ट हो गया है सारे, मैं क्वेश्चन ही भूल जाना है मैम। चलो अच्छा आप लिख लीजिए ना बेटा, आसान हल, आप अपना क्वेश्चन साइड पे लिख लीजिए। ठीक है, ओके मैम। अच्छा तो स्किन के ऊपर जो है वो फोटो सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है कि हम लाइट में जाते हैं, और आम लोगों को तो लाइट में जाने से सन की वजह से कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन फोटो सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, एसएलई का जो रैश होता है उसके साथ अगर पेशेंट सन में जाएगा तो उस रैश में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। ठीक है, वो बहुत डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन होगी, दैट इज कॉल्ड फोटो सेंसिटिविटी। इसके अलावा ब्लड के अंदर ये क्या क्या कर सकता है, हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया का क्या मतलब होता है, हीमो मीन्स ब्लड, लिटिक मीन ब्रेक डाउन, तोड़ना। ऐसा एनीमिया जो आरबीसीज के टूटने, अब आरबीसीज टूट जाएंगे तो एचबी लेवल कम होगा, बिल्कुल होगा, आरबीसीज ही टूट गए, आरबीसीज दे जस्ट ब्रेक डाउन, तो उनको ऐसे एनीमिया को क्या कहते हैं जो आरबीसी ब्रेक डाउन की वजह से होते हैं, उनको हम कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। हीमो मीन्स ब्लड और लिटिक मीन ब्रेक डाउन। हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है इसमें ल्यूकोपीनिया, डिक्रीज काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, लिम्फोपीनिया, डिक्रीज काउंट ऑफ लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, डिक्रीज काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। तो ये सारी जो ब्लड की सेल लाइंस हैं उनको अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा एसएलई क्या कर सकती है, जिन पेशेंट में किडनी इन्वॉल्व होगी उसमें ये प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया का क्या मतलब है कि आपने पेशेंट के यूरिन एग्जामिनेशन किया और उसमें आपको प्रोटीन्स मिले। आम तौर पे एक हर बंदे में 300 mg/day, 300 mg/day प्रोटीन, मेरे में आप में हम सब लूज कर रहे हैं 300 mg या उससे कम प्रोटीन सब लूज कर रहे हैं, जिसमें उससे ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया। व्हेन द प्रोटीन लॉस इन द यूरिन इज मोर देन 300 mg/day, ठीक है, ये नहीं कि किसी में 50 mg/day हो रही है तो आपका इसको प्रोटीन यूरिया नहीं, 300 mg/day सब लूज कर रहे हैं, उसके ऊपर 500 mg तो लूज कर रहे हैं तो उसे प्रोटीन यूरिया, 400 mg तो लूज कर रहे हैं तो उसे प्रोटीन यूरिया, 500,000 mg ग्राम्स में फिर पेशेंट जो है वो प्रोटीन, वो क्या ऐसा प्रोटीन यूरिया मोर देन 300 mg/day वो क्या शो करता है, रीनल डैमेज, एंड इट कैन लीड टू रीनल फेलियर एज वेल। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया रीनल डिसऑर्डर में क्या होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, दैट विल शो किडनी डैमेज एंड इट कैन इवन लीड टू किडनी फेलियर। तो ऐसे पेशेंट में जो है वो रीनल ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। एनी हाउ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, मूड डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर में क्या कर सकता है, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस,
इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, ये SLE कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अगर इन्वॉल्व करे तो ये कर सकता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर इन्वॉल्व करे तो प्लूराइटिस कर सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा, फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई. ये एक पिक्चर है जो आपको एग्जाम में भी आनी है मोस्ट प्रोबेबली, कि SLE जो है वो पिक्चर बना के बताएं कि कौन कौन से सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, और कौन कौन से सिस्टम को किस तरह इन्वॉल्व करता है. ये नहीं कि लंग सिर्फ नाम लिख दें, आपने डिटेल लिखनी होगी कि कौन कौन से सिस्टम में SLE कौन कौन से, लाइक ये लंग में हम देख सकते हैं कि प्लूराइटिस कर रहा है, निमोथॉरिक्स कर रहा है, और जो है वो पल्मोनरी एम्बुलाई व्हाटसोएवर जो जो भी कर रहा है, ठीक है. ये देखें SLE का बटरफ्लाई रैश, SLE का बटरफ्लाई रैश इन्वॉल्विंग द मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस एंड नेजल ब्रिज, और ये जो नेजोलेबियल फोल्ड होता है ये स्पेयर होता है, इस पे ये नहीं होता, ठीक है. टिप ऑफ द नोज स्पेयर होती है और ये जो नेजोलेबियल फोल्ड होता है इस पे ये नहीं होता, नेजल ब्रिज के ऊपर होता है और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस के ऊपर होता है बटरफ्लाई रैश ऑफ SLE, ठीक है. SLE का पेशेंट जब बाहर जाता है सन में तो हाई फैक्टर सन ब्लॉक लगा कर जाता है. हाई फैक्टर सन ब्लॉक का क्या मतलब होता है, जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF जिसे आप कहते हैं 60 या उससे अबव होता है, ठीक है, 90 तक होता है, ठीक है. हाई फैक्टर सन ब्लॉक यानी SPF 30, SPF 15, SPF 20, SPF 40 विल नॉट वर्क. हाई फैक्टर सन ब्लॉक इज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट ऑफ SLE 60 एंड अबव. हाई फैक्टर सनब्लॉक लगा के ही सन एक्सपोज एरिया पे SLE का पेशेंट बाहर जाएगा, अदरवाइज उसको डिजीज एक्टिविटी जो रिमिशन आई हुई है वो फ्लेयर आ सकता है, डिजीज एक्टिविटी हाई हो सकती है. इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट्स हैं, एनसेड्स, सनब्लॉक, एनसेड हमने पहले क्या बात की, आर्थराइटिस हुआ है पेशेंट को उसमें हमने एनसेड्स देनी है, ठीक है. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इज ऑल्सो अ ड्रग विच इज यूजफुल स्पेशली फॉर द स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ SLE. और अगर इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्व हैं तो हम कीमोथेरापेटिक ड्रग्स देते हैं सीवियर डिजीज में, सीवियर डिजीज में दी जाती हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स और कीमोथेरापेटिक ड्रग्स, ठीक है, ये दी जाती हैं. प्रेडनिसोलोन इज अ कॉर्टिकोस्टीरॉइड. कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनकी दो बहुत अजीम खूबियां हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि हर पेशेंट या हर बंदा इस्तेमाल ना करे, इन पर इतना बैन लगाया जाता है. इसलिए नहीं कि स्टीरॉइड्स बुरे हैं, इसलिए कि दे शुड बी रिजर्व्ड फॉर सीरियस डिजीज, ठीक है. बहुत सारी जगहों पे कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमाल आते हैं. स्टीरॉइड कोई नफरत करने की या ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, पेशेंट को इसका बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन बात क्या है कि जिसको ज़रूरत नहीं है वो इस्तेमाल ना करे, अगर फिर उसको लाइफ में जब सही मानों में जरूरत पड़ेगी तब फिर वो अफेक्ट नहीं करेंगे. ये रीजन होती है उनको बैन करने कि आम लोग विदाउट प्रेस्क्रिप्शन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते या खरीद नहीं सकते एक्सेट्रा. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की दो बहुत खूबसूरत और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी क्वालिटीज क्या हैं जो कि बहुत सारी डिजीजेस में बहुत काम आती हैं. नंबर वन, दे आर स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी, ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी. इसीलिए हमने कहा है कि दर्द से बेहाल है मरीज, आर्थराइटिस का, SLE ने आर्थराइटिस किया, एनसेड दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, इन्फ्लामेशन को बहुत तेजी से और बहुत अच्छा कम करते हैं, ठीक है. और दूसरी बात क्या है कि दे आर स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्ग ऑटो इम्यूनिटी को या ऑटो इम्यूनिटी को सुप्रेस करते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इम्यूनो सुप्रेसेंट. इसलिए जिन पेशेंट में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है उनमें स्टीरॉयड दिए जाते हैं ताकि रिजेक्शन ना हो, ठीक है, उस किडनी को हमारी ऑटो एंटी हमारी एंटीबॉडीज बन के उसको रिजेक्ट ना करें, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो, इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को स्टीरॉयड पे डाला जाता है. तो इनके बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमाल हैं जो मरीज के लिए लाइफ सेविंग साबित होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि इनको अच्छा जरूरत के अलावा इस्तेमाल ना किया जाए ताकि जब आपको इसकी जरूरत पड़े तब आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें. एनी हाउ, प्रेडनिसोलोन, कॉर्टिकोस्टीरॉइड, साइक्लोफोस्फामाइड, कीमोथेरापेटिक एजेंट्स जिसमें से रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, उन पेशेंट को जिनमें इंटरनल बॉडी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें फिर ये मेडिसिन दी जाती है. डिटेल आप जो है वो बुक से पढ़ सकते हैं SLE के ट्रीटमेंट पे. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एक्ने वल्गैरिस. आप सबको तकरीबन आप में से 80-90% लोगों को
इसका कोई ना कोई जो है वो इंटरेक्ट किया होगा कभी ना कभी. एनी हाउ एक्ने वल्गैरिस इज द मोस्ट कॉमन स्किन डिसऑर्डर. ठीक है, इसमें स्किन में डिफरेंट तरह के लियन बनते हैं, पिंपल्स भी हो सकते हैं, पस्ट्यूल भी हो सकते हैं. पिछले लेक्चर में आपने देखा कि पस्ट्यूल हम किसे कहते हैं, जिसमें पस होती है. ऐसा स्किन लियन, छोटा सॉलिड स्किन लियन जिसमें कि पस होती है, तो फिर हम उसे कहेंगे पस्ट्यूल. उसमें फ्लूइड होता है तो हम कहेंगे विजिकल. मैक्यूल, पेप्यूल, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपने प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं. एनी हाउ ये जो एक्ने वल्गैरिस है, ये मेनली ये किस एज ग्रुप में होता है, टीन एज में. ठीक है, अब उसमें क्यों होता है, क्योंकि एंड्रोजन लेवल्स जो हैं या सेक्स हार्मोन के लेवल जो हैं वो हाई होते हैं. एंड्रोजन लेवल या टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब हाई होगा तो हमारा हेयर फॉलिकल होता है, आपको याद होगा हमारे डर्मिस के अंदर हमारा हेयर फॉलिकल होता है, जिसके साथ सेबेशियस ग्लैंड भी था. एक पिक्चर में आपने पीछे देखा था कि सेबेशियस ग्लैंड था अलॉन्ग विद द हेयर फॉलिकल. वो सेबेशियस ग्लैंड अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन वो ज्यादा सीबम बनाता है. सीबम इज एन ऑयली सिक्रीशन, तो उस ऑयली सिक्रीशन की वजह से हेयर फॉलिकल की जो डक्ट है वो बंद हो जाती है. जब हेयर फॉलिकल की डक्ट बंद जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है स्वेट ग्लैंड, ठीक है, इसको आप हेयर फॉलिकल समझ लें. यहाँ पे साथ में जो है वो बाद में हम गूगल पे पिक्चर देख के मैं आपको मजीद बता देती हूँ. एनी हाउ हेयर फॉलिकल जो हमारा निकल रहा है उसके साथ सेबेशियस ग्लैंड होता है. सेबेशियस ग्लैंड जो है अंडर द अफेक्ट ऑफ एंड्रोजन्स इट विल प्रोड्यूस मोर सीबम. सीबम इज अ वेरी ऑयली एंड थिक सिक्रीशन दैट विल क्लॉग द पोर, पोर्स को बंद कर देगा. जब पोर्स बंद हो जाएंगे, अंदर सिक्रीशन इकट्ठी हो जाएंगी, तो बैक्टीरिया के लिए दावत हो जाएगी. अब एसोरियस जो वैसे ही स्किन पे पड़ा हुआ था, अब वो आके पिंपल बना देगा. ठीक है, तो दिस इज द पैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाउ दीज एक्ने आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन स्किन. मेनली ये एडोलेसेंट्स में होते हैं. तकरीबन 85% जो इसके पेशेंट होते हैं वो 12 to 24 ईयर्स के दरमियान, यानी कि यंग एज की बीमारी है. और इट इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स ऑफ द स्किन. तो अगर कोई आपसे पूछे कि वट इज एक्ने वल्गैरिस, वट इज एक्ने वल्गैरिस, तो आप कहें कि इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ सेबेशियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स ऑफ द स्किन, जिसकी वजह से फिर इरप्शन ऑफ पिंपल्स पस्ट्यूल्स फेस पे हो जाती है. 85% पेशेंट्स जो हैं वो इस एज ग्रुप के होते हैं, 12 to 24 ईयर्स. और ये एज के साथ साथ जैसे ही हॉर्मोन लेवल्स नॉर्मलाइज करते हैं, ये सेल्फ लिमिटिंग का क्या मतलब होता है, खुद ब खुद ठीक होता जाता है. जैसे जैसे उसके जो, और इसमें फिर बहुत सारी डाइट्स का भी रोल है. बहुत सारी डाइट्स हैं जो इसे कॉज करती हैं, बहुत सारी डाइट्स हैं जो इसको सही होने में मदद देती हैं, वो आप सबको पता है. जो बंदा ज़्यादा अच्छे फ्रेश जूसेस, फ्रूट्स और वेजीज और हेल्दी डाइट लेगा, उसके पिंपल्स जल्दी ठीक होंगे. और जो ऑयली चीज़ें और बाहर का खाना और जो है वो बुरा ऑयल, आई मीन टू से जो है वो वनस्पति घी अभी भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है. और जो आप बाहर से खाना खाते हैं वो तो आपको पता ही नहीं ना कि उसमें क्या ही इस्तेमाल होता है. तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये पिंपल्स को फिर मजीद ख़राब करती हैं. मसला क्या है इसमें, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इससे ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है. लेकिन बात ये है वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरे लोगों को कैसे नज़र आते हैं. हर कोई बंदा और ख़ासतौर पे इस एज ग्रुप में हर कोई इसके बारे में कॉन्शियस होता है. और दूसरी बात ये है कि अगर बड़े बड़े पस्ट्यूल्स बनते हैं तो जब वो ठीक हो जाते हैं तो पीछे स्कारिंग हो जाती है. इन्फ्लेमेशन जब ठीक होती है, बड़ा लियन जब हील करता है पिंपल या पस्ट्यूल, तो फिर पीछे परमानेंट स्कारिंग हो जाती है, जिसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है. तो ये रीज़न है कि ये कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट कॉज करते हैं. दैट इज़ अ रीज़न फॉर डिप्रेशन और परेशानी का बायस वो यंग लोगों में बनता है. ये इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो ये कहीं पे भी बॉडी में हो सकते हैं, फेस पे, बैक पे, शोल्डर्स पे, अपर चेस्ट पे. और 90% टीनेजर्स जो हैं वो इसको एक्सपीरियंस करते हैं. कौन सी चीज़ें हैं जिससे पिंपल्स या हमारा एक्ने वल्गैरिस की जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वो है स्ट्रेस. ऑक्यूपेशनल एक्ने का क्या मतलब है कि काम ऐसा है, गर्मी में काम करते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, डस्ट में काम करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें, हाइजीन को मेंटेन नहीं रख पाते, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पिंपल्स को और ख़राब करती हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल ज़्यादा हाई होंगे तब ज़्यादा पिंपल्स बनेंगे. एनवायरमेंटल फैक्टर, हाइजीन, डाइट और ये सब चीज़ें जो है वो इसमें
इसको ठीक भी कर सकती हैं अगर हम इनको अवॉइड करें, और इसको खराब भी कर सकती हैं अगर हम इसको अवॉइड ना करें। अच्छा जी, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पिंपल्स बनते कैसे हैं। देयर इज इंक्रीज्ड सीबम प्रोडक्शन इन द सेबेशियस ग्लैंड व्हिच आर प्रेजेंट इन द डर्मिस अलोंग विद द हेयर फॉलिकल। और ये क्यों सीबम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस फीमेल्स में भी होते हैं, जब प्यूबर्टी आती है फीमेल्स में भी एंड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं होते जितने मेल में होते हैं, लेकिन होते उनमें भी हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये बजाते खुद टेस्टोस्टेरोन किसी काम का नहीं है, ये तभी अपने एक्शन प्रोड्यूस करेगा जब ये DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा। वो एंजाइम जो टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है 5-alpha reductase, कौन सा एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, 5-alpha reductase। तो ये जो DHT है, अब ये काम की चीज है, जो भी एक्शन करने इसने करने है, टेस्टोस्टेरोन के तौर पे उसने कुछ नहीं करना, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू DHT, फिर ये अपने एक्शन प्रोड्यूस करेगा और ये सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, यानी उनका साइज भी बड़ा कर देगा, उनकी सीबम प्रोडक्शन भी ज्यादा कर देगा। तो ये सीबम प्रोडक्शन जो है वो हेयर फॉलिकल का जो जहां से वो निकल रहा है उसके डक्ट को ब्लॉक करके पिंपल कॉज करेगा। ठीक है जी, ये वाइट हेड्स हो सकते हैं, ब्लैक हेड्स हो सकते हैं, पस्टूल्स हो सकते हैं। ये हमारी बॉडी का, देखें मैंने आपसे कहा कि जो है वो हेयर फॉलिकल की जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगी, अंदर सिक्रीशन जमा हो जाएगी, तो फिर बैक्टीरिया जो है वो उसको इन्फेक्टेड मटीरियल उनको मिल जाएगा और वो इस तरह से इन्फेक्शन करेंगे। तो ये जो पिंपल्स है हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स फर्स्ट कब बनती है, जब WBCs फाइट विद बैक्टीरिया टू मेक देम डेड। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी लड़ती है बैक्टीरिया से, जो कि दे गेन एक्सेस इनटू द स्किन पोर्स थ्रू द हेयर फॉलिकल्स। तो हमारी बॉडी का ये इम्यून रिस्पॉन्स है टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। स्ट्रेस, बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड इनसफिशियंट रेस्ट कैन वर्सन द एक्ने। सो इनके एग्रेविटिंग फैक्टर्स हैं और जो है वो थोड़े इनके रिलीविंग फैक्टर्स हैं। चार टाइप्स होती, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल्स एंड सिस्ट। सिस्ट क्या होती है कि एक बड़ा लियन बन गया, अब वो खुद ब खुद ठीक नहीं होता, फिर इसकी सर्जरी होती है। ज्यादातर शुक्र है ये फेस पे नहीं बनती, ये अपर चेस्ट पे या अपर बैक पे बनती है, या बैक में तो कहीं भी बन सकती है, सेबेशियस सिस्ट फिर हम उसको कहते हैं। तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ एक्ने, सेबेशियस सिस्ट। ट्रीटमेंट, बेंजोइल परऑक्साइड एंटी जो है वो एंटीसेप्टिक है, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, और ये सोप्स की फॉर्म में भी मिलता है, जेल की फॉर्म में भी मिलता है, क्रीम्स की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, तो दिन में 2-3 times आप लगाते हैं, 2-3 weeks के लिए टोटल बेंजोइल परऑक्साइड, BP बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मुलेशन में ये मिलता है, और ये क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीसेप्टिक है। ठीक है, नंबर वन ट्रीटमेंट्स में है। और सैलिसिलिक एसिड, ये भी क्लिंजर है, एंटी इन्फ्लामेटरी है सैलिसिलिक एसिड। इसके अलावा वो एक्ने जो सिंपल ट्रीटमेंट्स को रिस्पॉन्ड ना करें, सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइल पेरोक्साइड को जो एक्ने रिस्पॉन्ड ना करें, उनके लिए क्या होता है, विटामिन ए, रेटिनॉल भी कहते हैं उसको, रेटिन ए क्रीम की फॉर्म में, लेकिन ये सीवियर केसेस में लगाना है, क्योंकि ये हमारी जो स्किन होती है उसको पील करके नीचे से नई स्किन निकालता है, विटामिन ए का ये एक्शन होता है ना, पुरानी स्किन उतार के नई स्किन। तो ऐसा पेशेंट जो विटामिन ए यूज कर रहा है उसके लिए सनब्लॉक लगाना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नई स्किन नीचे से आ रही है दैट इज मोर वल्नरेबल टू सन डैमेज। तो जो पेशेंट भी विटामिन ए लगा रहा है तो, या कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट ले रहा है जिसमें न्यू स्किन आ रही है, तो उसमें फिर सनब्लॉक लगाना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स यानी ओरल एंटीबायोटिक्स भी हम सीवियर केसेस में देंगे, सिंपल केसेस में, एक आध पिंपल तो हम ओरल एंटीबायोटिक नहीं खाना शुरू कर देंगे, लेकिन जिस तरह आपने पिक्चर में देखा है पीछे एक्ने वल्गैरिस, ऐसे पेशेंट को फिर ओरल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिसमें कि वाइब्रामाइसिन कैप्सूल 100 mg, BD भी दिया जाता है, OD भी दिया जाता है, लंबे अरसे के लिए भी दिया जाता है, हफ्ते या 15 days के लिए भी दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कितना एक्ने है। तो ये चार ट्रीटमेंट्स मेजर, बेंजोइल परऑक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉइड क्रीम्स और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स इन सीवियर केसेस, ये इस तरह से हम जो है वो एक्ने को ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाकी जो सारी हमारी डिजीजेज हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, आगे भी बहुत सारी डिजीजेज हैं स्किन की, इंटेलिमेंट्री सिस्टम की,
आज हमने पढ़ा SLE जो कि काफी लेंथी था और साथ में हमने पढ़ा एक्ने वल्गैरिस। जी अब सवाल पूछिए बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, हमारी एनरोलमेंट काफी इशू तो हमारी एनरोलमेंट आपने मुझे मेल की हुई है ना, अपना नेम आईडी मुझे मेल किया हुआ है ना, मैं किसी और बेटे जिसने भी जिसका भी एनरोलमेंट का इशू है मुझे मेल करें, मैं आपको एनरोल कर दूंगी, कोई मसला नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे ईमेल्स आई नहीं है, आई विल डू दैट। ठीक है ओके मैम, कोई मसला नहीं है इसमें। हाँ जी बताएं मैम, ये जरा हाँ जी क्या चीज बेटा, बेटा मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। मैम आपने बताया ना कि फाइव अल्फा रिडक्टेज एक एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन बजाते खुद इज नॉट एन एक्टिव हार्मोन, वो किसी भी ऑर्गन्स पे अफेक्ट नहीं कर सकता जब तक के वो अंडर द एक्शन ऑफ फाइव अल्फा रिडक्टेज इट विल बी कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन है। अब इसने जहां जहां मसल में बोन में ग्रोथ करनी है या जो जो भी इसने करना है, अब ये फाइव अब ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की फॉर्म में ये करेगा। एज टेस्टोस्टेरोन ये किसी काम का नहीं है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, एज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये एक्टिव है, जो भी इसने करना है एज अ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन करेगा। ठीक है और बेटा मैं आपको वालेकुम अस्सलाम जी जी बोले मैम, ये जो एक्सरसाइज इंड्यूस कैसे करते हैं बेटा, क्या पूछ रहे हैं मुझे समझ नहीं आई, सॉरी मैम। मैंने कहा ये जो एक्सरसाइज इंड्यूस प्रोटीन यूरिया होती है इसको ट्रीट कैसे करते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस प्रोटीन यूरिया कौन सा होता है मैम, इसके रिलेटेड ही होता है, मतलब एक कंडीशन होती है तो प्रोटीन यूरिया की। बेटा प्रोटीन यूरिया के बारे में मैंने आपको ये बताया कि 300 मिलीग्राम पर डे हर पेशेंट में, हर बंदे में, नॉर्मल ह्यूमन में प्रोड्यूस होनी है। ठीक है, नहीं अगर मैम इसके लेवल 500 से ज्यादा इंक्रीज कर जाए तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं। हां जी बेटा, इसको फिर आप देखेंगे कि किडनी को क्या इंसल्ट हो रही है। ठीक है, जो इंसल्ट किडनी को हो रही है फॉर एग्जांपल किसी ड्रग की वजह से, डिजीज की वजह से, उस डिजीज को ट्रीट करेंगे प्रोटीन यूरिया ट्रीट होगा। फॉर एग्जांपल SLE की वजह से SLE को ट्रीट करेंगे, किडनी को ट्रीट करेंगे बाय जिस तरह मैंने आपको बताया साइक्लोफॉस्फामाइड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, देयर इज इंफ्लेमेशन इनसाइड द किडनी, उसको आप ठीक करेंगे प्रोटीन यूरिया ठीक होगा। वो एक साइन है, वो एक डैमेजिंग फैक्टर है, आपको बता रहा है कि किडनी डैमेज हो रहा है। प्रोटीन यूरिया बजाते खुद तो कोई बीमारी नहीं है ना, वो किसी बीमारी का साइन है, इन्फ्लेमेशन है किडनी में। इसको कौन से मतलब किससे कंसल्ट करना चाहिए, कौन से डॉक्टर से? हाँ जी इनको करना चाहिए उससे, नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के जो किडनी में भी अब बहुत वो है ना, एक यूरोलॉजिस्ट होता है ठीक है जो किडनी ट्रांसप्लांट करता है और ब्लैडर के सारे मसले मसाइल देखता है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट होता है जो किडनी की मेडिसिन ठीक है से डील करता है और ये जो है डायलिसिस वगैरह इसके साथ वो डील करता है, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएंगे प्रोटीन यूरिया के लिए। अच्छा अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रही थी मैम, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन कर लूं मैम। हाँ जी करें करें। मैम आपने कहा SLE में डिफरेंट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं लाइक हार्ट, लंग, स्किन, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा फैक्टर है जो इस चीज को डिसाइड करते हैं कि हार्ट इफेक्ट होना है या लिवर होना है या किडनी इफेक्ट होना है। अच्छा सुने मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है, ये नेचर की तरफ से डिसाइड होगा कि कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होंगे और कौन से नहीं, इसकी कोई ठीक है। मैम मैंने पढ़ा समझ आते हैं कि बॉडी जो बनते हैं वो इस चीज को डिसाइड करते हैं। नहीं बेटा ये देखो ना, मैं आपसे ये भी बार बार कह रही हूँ कि चार पेशेंट्स को SLE है, एक में कुछ सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, एक में कुछ, एक में कुछ, एक में कुछ,
ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज सब में एक तरह की प्रोड्यूस हो रही है। अब मेरी बात समझे कि ऑटो एंटीबॉडीज सब में 9-10 ऑटो एंटीबॉडीज उन चारों में बन रही है, लेकिन ये नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज इसको कहते हैं कि ये चीज जो है वो कुदरत की तरफ से ही डिसाइड होगी कि किस पेशेंट में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, किस पेशेंट में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक हो गया मैम। अच्छा, एसएलई के पेशेंट्स के लिए आईआर भी डैमेजिंग है, मतलब वो भी अफेक्ट करेगी उनको। बेटा रिपीट कीजिए, एसएलई के पेशेंट्स के लिए, एसएलई के पेशेंट्स के लिए आईआर रेडिएशन भी हार्मफुल है। क्या चीज हार्मफुल है बेटा? आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड। नहीं, ये कौन सी रेडिएशन होती है? मुझे यही पता है कि यूवी रेडिएशन, सन रेज जो है वो हार्मफुल होती है उसके लिए। ठीक है। अच्छा, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यू कैन से टाइप ऑफ पिंपल्स। हाँ, ये देखें, ये हेयर फॉलिकल हमारा डर्मिस से निकल रहा है, ठीक है, उसके साथ ये सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद है। ये है नॉर्मल एनाटॉमी एक हेयर फॉलिकल और सेबेशियस ग्लैंड की, समझ आ गई? अब यहाँ पे ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है, अगर सीबम अंडर द एक्शन ऑफ एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो तो ये ओपनिंग बंद हो जाएगी, समझ आ गई? ये ओपनिंग बंद हो जाएगी थिक सीबम से, सीबम इज अ थिक सिक्रीशन, ठीक है, थिक ऑयली सिक्रीशन होती है। तो अगर ये डक्ट जो है सीबम ज्यादा प्रोड्यूस हो और ये डक्ट बंद हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से उसके अंदर स्किन पे बैक्टीरिया तो पड़े ही हुए हैं, ठीक है, दे विल गेन एक्सेस इनटू द दिस इन्फेक्टेड पार्ट, इसको वो आके इन्फेक्ट कर देंगे और ब्लैक हेड, वाइट हेड, और ये फाइनली देखो ये यहाँ पे कितना सारा इंफ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है, पस बन रही है, बिकॉज WBCs, आपको पता है मैंने क्या पढ़ाया था कि मैक्रोफेजेस हैं स्किन के अंदर, हमारी डर्मिस में बहुत सारे मैक्रोफेजेस हैं जो क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है तो उसी वक्त उससे मुकाबला शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसको मारने के लिए, उसको डेड करने के लिए इम्यूनिटी शो करते हैं हमारी बॉडी की। तो इस तरह से ये डिफरेंट लियंस बनते हैं, ये अब एक फुल ब्लोन पस्ट्यूल बन गया यहाँ पे, क्योंकि WBCs भी आ गए हैं, बैक्टीरिया के साथ लड़ रहे हैं, पस फॉर्मेशन हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब समझ आ गई कि पिंपल्स की क्या एटियोलॉजी है, कैसे बनते हैं? समझ आ गई सबको? यस यस मैम। थैंक गॉड। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं जुमेरात को, ठीक है? यस ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम।